प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। आज हम आए इलामाइट बॉल टाउन में मून मार्केट में, और ये अली भाई का सलोन है जिसका हम आपको आज केस स्टडी देने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम अली भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सलोन स्टार्ट किया है, कितना टाइम हो गया? ये मंडे को ओपनिंग हुई है, तकरीबन आप 4 से 5 दिन कह सकते हैं। सही, इससे पहले भी आप यही काम कर रहे होंगे? फर्स्ट टाइम है। सही, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो आपने खुद भी कर रहे हैं और लड़के वगैरह भी रखे हैं, क्या सीन है? जी प्रॉपर स्टाफ है हमारा और मैं खुद तो काउंटर पे बैठता हूँ। ठीक हो गया सर। और ये काम स्टार्ट करने के लिए छोटे लेवल पे, आपका तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा लेवल है, छोटे लेवल पर कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे ये काम स्टार्ट हो सके? मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी ने काम करना है तो कम से कम अगर छोटे लेवल पे करना, मैं तो अपने जेन से करता रहा हूँ, जो मुझे चीज़ पसंद आई है मैंने वही लगाई है, जो मैंने मतलब कि चेयर लगाई है मार्केट में, इस तरह की चेयर किसी के पास नहीं है। ठीक है, और जो छोटे लेवल पे करना चाहता है उसके लिए कम से कम भी ना 3 लाख रुपये होने चाहिए अपने पास, तो ये काम स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। सही, मैंने ये सुना है कि मतलब कि इसमें एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, सारी इक्विपमेंट वगैरह सारा सेटअप आपने कर लिया, उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें, जिस तरह चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो ख़त्म होती है, जो डेली स्टाफ है हमारा, स्टाफ तो बगैर पेमेंट के रह नहीं सकता हमारे पास, इसलिए ये जो बातें हैं ना ये करने में अच्छी लगती हैं। जब इंसान करता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो लोग कहते हैं ना जी एक बार की इन्वेस्टमेंट है, ऐसे नहीं होता, ये हर मंथ इन्वेस्टमेंट बंदे को, अगर बंदे ने अपना काम बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर, अगर बंदा कहता है ना कि मुझे इस काम में तरक्की चाहिए, मुझे इस काम में लेवल चाहिए, अपग्रेड चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि डे बाय डे बंदा अपने सलोन को बेहतर से बेहतर बनाए, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ है, मशीनरी होगी, अब तो काम ही ऐसा चल रहा है कि मशीनरी के बगैर कोई काम ही नहीं है, जिस तरह हर काम में मशीनरी, मैनीक्योर पेडीक्योर वो मशीनरी यूज़ होती है, उसके बगैर तो मैनीक्योर पेडीक्योर काम ही कोई नहीं है। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि बात जो है ना वो करनी चाहिए जो हो। तो आपका कितना स्टाफ है, कितने लड़के रखे हैं आपने? जी मेरे तकरीबन 5 लड़के हैं स्टाफ में, एक हेल्पर है और 5 लड़के हैं। सर तो आप लोग हर सर्विस, कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं वो भी बता दें, ताकि हमारे कस्टमर, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आप तक पहुंच सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंट्री में लड़का होता है हमारा, अगर कस्टमर ने दुकान में एंट्री करनी है तो लड़का फौरन उसके पास जाता है, पास ही सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, खुद उसे सैनिटाइज करवाता है, उसके बाद उसको 2 मिनट 5 मिनट कम से कम भी रेस्ट देते हैं, क्योंकि हमारी कुर्सी ऐसी है कि पूरी लेट जाती है, कस्टमर चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, जहाँ क्योंकि हमने सीटिंग काफ़ी अच्छी की है कि कस्टमर को तंगी ना हो वक्फे, क्योंकि आपको पता है जो हालात जा रहे हैं कोरोना की वजह से, सीटिंग इसलिए ज़्यादा की है कि कस्टमर को तकरीबन कम से कम भी 2 फुट का फासला मिल सके बैठने में, इसीलिए ये वजह है कि कस्टमर जब हमारे पास दुकान पर आता है तो हम उसको कम से कम भी 5 मिनट का रिलैक्समेंट देते हैं, उसके बाद देन हम काम स्टार्ट करते हैं। स्टाफ पे लड़का मौजूद होता है, उसको जो चाहिए अवेलेबल करता है, अगर कस्टमर दे रहा है तो उसको अपॉइंटमेंट में, अगर कस्टमर का काम है जैसे कैरेटीन रिबॉन्डिंग, वो काम थोड़ा सा लंबा होता है, कम से कम भी 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटा भी कह सकते हैं अगर एक्सपर्ट हो तो, उसके लिए फिर और भी बहुत से लेवल आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास कस्टमर आता है तो उसको हम बिठाते हैं, थोड़ा रिलैक्समेंट करवाते हैं, देन उसके बाद हम उसको, सबसे पहले हमारा काम होता है हेयर वॉश करना, हेयर वॉश के बगैर हम काम नहीं करते,
पता नहीं बंदा कहाँ से आया होता है, कहाँ से नहीं आया होता। उसके हेयर वॉश करवा दिया, शैम्पू शैम्पू की वाशिंग यूनिट हमने स्पेशल लगाया लेट के करने वाला, ठीक है। उसको हम वाशिंग वाश करते हैं उसके बाल, उसके बाद देन हम उसको ड्राई करते हैं, बाल उसके सुखाते हैं, फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। फिर उसको जिस तरह का उसका काम है, वो कहता जी मुझे ये लुक चाहिए या वो लुक चाहिए, फिर उसको वो लुक मिलती है। उसके बाद काम करने के बाद हम दोबारा वॉश करवाते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि जो उसे उसकी जेन में लुक होती है उसकी अपनी, वो नहीं बन पाती, तो फिर आप क्या करते हैं? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉप की थी, पहले दिन एक कस्टमर ऐसा आया था, अच्छा कस्टमर था। उसको काम जो है ना, वो अभी पहला लड़का कर रहा था काम, ठीक है, फर्स्ट डे था हमारा। तो कस्टमर आया, कस्टमर ने काम करवाना था पूरा, कस्टमर ने खत करवाया, उसने ना अभी ऊपर वाली साइड बनाई है। तो कस्टमर जब काम करवा रहा होता है, वो रिलैक्स होता है, आंखें बंद होती हैं। जब वो काम छोड़ता है स्टाफ, तो उसके बाद कस्टमर देखता है जी क्या लुक आई है मेरी। तो कस्टमर ने देखा जी खत थोड़ा सा नीचे चला गया, उसने ज़्यादा नीचे कर दिया। कस्टमर ने मुझे देखा, ये क्या कर दिया। मैं कहा बहुत सभी सही हो जाता है। उसका यही हाल होता है कि फौरन लड़का चेंज करते हैं, क्योंकि लड़का चेंज करने से होता है कि हो सकता है कि दूसरे लड़के का काम पसंद आ जाए उनको। फिर वो भाईजान ने दूसरे, मैंने लड़का चेंज किया, भाईजान ने फिर खत करवाया। तो खत उसने ना उसी खत को स्टाइलिंग में चेंज कर दिया, मतलब कि उसी को बेहतर कर दिया। उसका कहना था कि मैं सिर्फ खत करवाऊंगा, अब कटिंग नहीं करवाऊंगा आपसे। जब उसने खत कर दिया कस्टमर का, उसके बाद फिर उसने, कस्टमर ने अपने मुंह से कहा कि मेरी कटिंग भी करें। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वो फौरन चेंज करने पड़ते हैं। अब कस्टमर की क्या लुक है क्या नहीं है, नया काम होता है, कस्टमर को हम क्या लुक देनी है हमें पता नहीं होता, क्योंकि कस्टमर हमें पिक भी दिखा देना तो उसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कस्टमर अपनी पिक दिखा रहा है, हमें कोई लोकल पिक नहीं दिखा रहा, मतलब कि गूगल से निकाल ये चीज़ मुझे चाहिए। जो प्रॉपर चीज़ आती है ना हमारे पास, उसमें थोड़ी सी 19-20 होती है, लेकिन जो कस्टमर की प्रॉपर लुक हमें मोबाइल पे पहले वाली लुक आती है ना, उसमें भी थोड़ी 19-20 होती है। वो फिर जब पहली बार बंदा करता है, तो फिर बंदे को नेक्स्ट टाइम फिर समझ आ जाती है कि नहीं जी, इस कस्टमर का काम इस तरह करना है। और वो हमारा कस्टमर, अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्टमर को मैंने कैरी कर लिया। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो इस काम में आना चाहते हैं, जिनकी दिलचस्पी है कि वो इस काम में आए, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा काम है, मैंने भी एक स्टेप उठाया, फिरने से बेहतर है कि बंदा एक जगह बैठ जाए टिक के। तो उनके लिए यही है कि काम अच्छा है अगर वो करना चाहें। दिल ये काम होते हैं दिल से, मैंने दुकान बनाई है ना, दिल से बनाई है। मार्केट में इस तरह का शायद ही आपके सलून नज़र आएगा, जो मैंने सेटअप बनाया है ना, शायद हो सकता है कि नज़र आए, हो सकता है नहीं भी नज़र आए। मैं अपनी मार्केट की बात करूँ, वैसे तो हज़ारों की तादाद में सलून है, वो बेहतर से बेहतर है, लेकिन मैं अपनी मार्केट की बात करूँ, मैं चाहता तो कहीं और भी बना सकता था, मोहल्ले में या कहीं और में, लेकिन नहीं, मेरी विश थी कि मैं मार्केट में निकलूँ, मार्केट विज़िट करूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। सही, चलें, थैंक यू सो मच। और आपने, आपका बिज़नेस अभी न्यू है, तो आप इसकी प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें? स्ट्रेटजी यही है कि जो कस्टमर एक बार, नया कस्टमर तो जब नहीं, देखें अब एक शवारमे की दुकान खुली है, नई चीज़ को हर कोई टेस्ट करता है। जब नई दुकान कोई देखता है ना, वो सोचता है यार मैं इधर एक बार जाके देखूं कि इधर मुझे क्या प्रोटोकॉल मिलता है। जब कस्टमर फर्स्ट टाइम आता है ना दुकान पे, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वही मौका होता है कस्टमर को कैरी करने का, कस्टमर बनाने का, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। कोई कस्टमर किसी का नहीं होता, कस्टमर को, जब तक आप कस्टमर का काम अच्छा करोगे, कस्टमर आपके पास आएगा। जब आपने कस्टमर का काम अच्छा नहीं करना, तो कस्टमर ने आपके पास नहीं आना। यही वजह है कि ये काम बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इस काम में बारीकियां बहुत हैं, क्योंकि ये वो चीज़ तो है नहीं कि जिस तरह दूसरे कारोबार हैं, कस्टमर आया चीज़ पकड़ी शॉपर में डाल के दे दी, नहीं, ये हमारे हाथ है ना, इसी हाथ से कस्टमर से हमने 100 रुपया भी लेना है, 100 रुपीज़ भी लेने हैं,
यही हाथ है हमारे कस्टमर से, हमने 1,000 लेना है, 1,000 रुपीस लेना है, यही हाथ है, इसी से हमने 5,000 लेना है। ये हाथों का कमाल है हमारा, इसके अलावा कोई कमाल नहीं है। ये हाथ है ना, इसी को चलाना है, हमने पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, हमारा सर्किट चलेगा। जब तक ये हाथ आप नहीं सही चलाओगे, आपका कस्टमर जो है ना वो आपका नहीं बन सकता। कस्टमर को जब एक बार आपने प्रोटोकॉल दे दिया है, कस्टमर को काम पसंद आ गया है, वो कस्टमर आपका। बेशक कस्टमर से 1,000 ले लो, कस्टमर को काम पसंद आना चाहिए। पैसों आजकल जो हालात जा रहे हैं, कस्टमर पैसों को नहीं देखता, कस्टमर चीज़ को देखता है, कस्टमर क्वालिटी को देखता है, उसके बाद देन कस्टमर आगे मूव करता है। अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए सेटअप अच्छा लगाने का ये मकसद है कि कस्टमर हैप्पी हो के जाए। कस्टमर ये ना कहे यार ये तो लोकल है, वही चीज़ है जो पहले देखी हुई है। कस्टमर को नई चीज़ चाहिए, लेटेस्ट, यही वजह है कि कस्टमर आएगा आपके पास, और कोई वजह नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।